इस मॉड्यूल में हम ये ने ये देखना है कि ये जो ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे होती है ये तो रिदम है दिस इंस्पिरेशन दैन एक्सप्रेशन या इनहेलिंग और एक्सेलिंग और एक मिनट में जैसे जिक्र किया कि चौदह से लेकर सोलह तक फोर्टीन टू सिक्सटीन टाइम्स दिस इंस्पिरेशन दैन एक्सप्रेशन लेकिन ये नहीं हो सकता ये नहीं हो रहा होता कि दसली एक मिनट या इंस्प्रेशन ही होती रहे फिर उसके बाद एक्सप्रेशन होती रहे एक मिनट ऐसा नहीं है तो देर इज़ ए रिदमिक रिदम है इंस्पिरेशन का और एक्सप्रेशन का तो ये ब्रीदिंग कंट्रोल दर इज़ ए डेफिनेट ब्रीदिंग कंट्रोल और इस चीज़ को इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को एक बाकायदा एक कंट्रोल मेकेज़म है उस कंट्रोल मेकेानिजम को हमने समझना है जब हम रिलैक्स बैठे हैं एक चेयर के ऊपर तो आपने देखा होगा कि हमें हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो फोर्टीन टू सिक्सटीन टाइम्स है अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या फिर बहुत ही स्ट्रेनवस एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो इसके साथ ही साथ ये हमारे ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है इसका कंट्रोल मेकेनिज्म दैट इज़ इन द मेडल्ला वहाँ पे एक ब्रीदिंग सेंटर है वो ब्रीदिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यूँ है कि आ, हम जब रिलैक्स बैठे हैं तो ये जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो इज़ सफिशिएंट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड विद इन अवर बॉडी और और इसलिए ये रेट जो है वो 14 टू 16 टाइम्स है अगर हम जब एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है विद द रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड मोर अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसी रफ्तार से बाहर ना निकले तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो के वो एक टॉक्सिक चीज़ बन जाती है और वो उसकी और वो उसने फिर पीएच को भी डिस्टर्ब कर देना है यानी ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब कर दी क्योंकि ये एसिडिक है और कार्बोनिक एसिड भी बनता है और जिसकी वजह से एंड दैट काज सो मैनी प्रॉब्लम्स दैन तो आ, फिर उसके बाद रेट इंक्रीज़ हो जाएगा एक्सरसाइज के दौरान वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है दैट इज टू बी रिमूवड विद द सेम स्पीड और uh, इस जिसकी वजह से इंस्प्रेशन और एक्सप्रेशन फास्ट हो जाएगा और इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितनी शिद्दत से वह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये दिस इज ऑल दिस इज वॉट इज द मैकेजम और मेडला uh, के अंदर सेंटर है और जब ब्लड सर्कुलेट सर्कुलेट करता है उसमें कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड तो दैट सेंटर इज इन फैक्ट दैट इज स्टिमुलेटेड और वहाँ से फिर नर्व्स निकलती हैं और वो नर्व्स जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स को और और जो डायफ्राम है उसकी तरफ जाती है और फिर उस अकॉर्डिंगली वो फिर ज़्यादा विगोरेसली इनक्री कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है और इस चीज़ को हम इस uh, डायग्राम में इस डायग्राम में देखते हैं कि ये दिस इज़ द्राम डायग्राम और ये है मेडला दिस पार्क पो पोर्शन ऑफ इट और यहाँ पे ये हैं वो सेंटर्स विच इज़ सेट टू बी द ब्रीदिंग सेंटर और यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं इंटरकोस्टल मसल्स को और ये डायफ्राम को तो जब यूं ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ती है तो ये सेंटर्स हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं ये सेंसर्स हैं तो यहाँ से उसी उसी तरीके से फिर ये इम्पल्स आती हैं और ये जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स दे बिकम वेरी एक्टिव दे कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स तो इस तरह ये जो रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाता है और यही है वो चीज़ यही है वो मैकेनिज्म यही है वो सेंटर जो हमारे ब्रीदिंग सेंटर को कंट्रोल करता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल मेकनिज्म